धार में टिक गए। वायुमंडल और वाइब्रेशन समीप और संपर्क में रहने से कोई कंधे पे चढ़ा रहे और दुनिया की नजरों में सरेंडर बन करके बैठ जाए और बुद्धि बाहर की दुनिया में भटकती रहे तो बाप के समीप कहा जाएगा या बाप से दूर कहा जाएगा? दूर हुआ ना, यहाँ तो सारी अंदर की बात है, देह की तो बात नहीं है। कौन सा कोष का है? हाँ जी, कृष्ण कौन है और राम कौन है, और कृष्ण कब बनता है राम कब बनता है, अगर इतनी बात बुद्धि में आ जाएगी तो इसके विपरीत दूसरी बात भी बुद्धि में आ जाएगी कि रावण कौन है कब बनता है और कृष्ण कौन है, नहीं कंस कौन है और कब बनता है। कृष्ण और राम कब बनता है? जो दुनिया मान ले कि ये कृष्ण है और ये राम है, वो कब बनता है? अरे हैं, और संगम कब होता है? हैं, 1936 में? हाँ, हैं, 76 के बाद में संगम होता है, तो 76 के बाद एक दो की बुद्धि में बैठता है यह मेजॉरिटी ब्राह्मणों की बुद्धि में बैठ जाता है तो उसे तो काम नहीं चलेगा। बच्चा पैदा होता है तो जो जो जाने सब कहे कि हाँ पैदा हुआ, तो क्या 76 में माने कि राम कृष्ण का जन्म हुआ है? नहीं, जब वो आत्माएं संपन्न होती हैं, पुरुषार्थ संपन्न स्टेज को पहुंचता है, तब बाप के साथ बच्चों की भी संसार में प्रत्यक्षता होती है। तो उस समय सतयुग आदि कहेंगे या उन बच्चों के लिए कलयुग अंत कहेंगे? सतयुग आदि कहेंगे। तो सतयुग आदि में बनते हैं सतोप्रधान, सतोप्रधानता का नाम है राम और कृष्ण। फिर वो आत्माएं कभी तमोप्रधान बनती है कि नहीं बनती है? हैं? बनती है, कब बनती है? हैं? कलयुग के अंत में। तो कलयुग का अंत भी तो कभी होता होगा ना, हैं? कब होता है? है? कब बनती है तमोप्रधान जाति? शूटिंग के हिसाब से 76 में कहें, 36 में कहें, या कोई और टाइम है? 2007, 2004, वहां सबसे जाति तमोप्रधान बनती है। उस समय तीनों मूर्तियों के द्वारा शूटिंग का काम होता है। फिर हैं? हाँ,
जब कृष्ण की आत्मा शरीर छोड़ने के बाद संगम में 50 वर्ष पूरे करती है, उस समय कृष्ण की आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है कि मैं कृष्ण आत्मा बच्चा बुद्धि का पार्ट बजाने वाली आत्मा हूं और राम वाली आत्मा उसकी बुद्धि में बैठ जाता है पक्का कि कृष्ण बच्चे को जो सस्य रूपी रंगमंच पर पहला पत्ता है उसको जन्म देने वाली बीज रूप बाप की आत्मा हूं, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है और सबकी बुद्धि में बैठता जाता है। जो आवे, जो देखे, जो संसर्ग संपर्क में चले, सभी की बुद्धि में बैठना ही बैठना है। ये बेहद का दिव्य जन्म हो गया तो जवाब मिला कि कंस और रावण कब संसार में पूरा प्रत्यक्ष होता है और कौन प्रत्यक्ष होता है, कौन है जो रावण के रूप में सर्वोपरि पाटधारी है और कौन है जो कंस के रूप में सर्वोपरि पाटधारी है, कब होता है? 18 से पहले ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया में कंस की आत्मा भी प्रत्यक्ष हो जाती है और रावण की आत्मा भी प्रत्यक्ष हो जाती है, फिर सारा संसार पहचानता रहता है। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद आप तो उठा दो, कहाँ पर है? हाथ उठा दो ना। हाँ 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 बोलो। तो भी ज्ञान समझता नहीं है, ज्ञान समझता नहीं है, ज्ञान समझता नहीं है। कौन नहीं समझता है? जो ब्राह्मण है वो ज्ञान समझता नहीं है। कौन है पहला ब्राह्मण? पकड़ो उसे। है जो ज्ञान को समझता ही नहीं है, कौन है पहला ब्राह्मण? है ब्रह्मा है, अभी है नहीं है? 18 में पकड़ा जाएगा, आधार मूर्त है। अच्छा तो बीज मूर्त कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा, वो पहला ब्राह्मण, तो पहला देवता, तो पहला क्षत्रिय, तो पहला वैश्य, तो पहला शूद्र। और वो ब्राह्मण जो पहला ब्राह्मण है वो ज्ञान समझता ही नहीं है, है? तो भक्ति मार्ग मुर्दाबाद कर रहा है कि भक्ति मार्ग जिंदाबाद कर रहा है? मुर्दाबाद कर रहा है? हाँ, भक्ति मार्ग जिंदाबाद कर रहा है, माने राम वाली आत्मा जो है, जो पहला ब्राह्मण है, जो पहला भक्त भी तो बनती है ना, है? जो पहला भक्त है सो पहला ब्राह्मण है, वो पहला ही पहला है, तो वो ज्ञान मार्ग अभी मुर्दाबाद कर रही है कि जिंदाबाद कर रही है? हैं? अरे माता जी को बोलने दो जिन्होंने प्रश्न किया है, हैं? भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। तो अभी भक्ति मार्ग मुर्दाबाद हो रहा है,
या जिंदाबाद हो रहा है? हैं? मुर्दाबाद हो रहा है? हैं? अगर भक्ति मार्ग मुर्दाबाद हो रहा है तो खुशी बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? हैं? खुशी बढ़नी चाहिए, क्योंकि भक्ति मार्ग जितना जितना मुर्दाबाद होता जाएगा उतना ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होता जाएगा। और ज्ञान माना ही जानना, पहचानना। बाप को हम जितना जानते जावेंगे, पहचानते जावेंगे, तो बाप के धंधे में भी हम टिकते जावेंगे। और जितना जितना बाप के धंधे में टिकते जावेंगे उतना हमारी खुशी बढ़ेगी या घटेगी? बाप का धंधा सेवा, तो बच्चे का धंधा भी सेवा। सेवा से कौन सी खुशी मिलती है? कौन सा मेवा मिलता है? खुशी का मेवा मिलता है। तो अभी हमारी खुशी टोटल ब्राह्मण परिवार में देखा जाए तो खुशी बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है? बढ़ती जा रही है। रोना पीटना तो नहीं हो रहा है? लड़ाई झगड़े तो नहीं हो रहे हैं? हैं? यहाँ क्लास में आके सब कुछ ठीक हो जाता है? हैं? बाबा क्या क्लास में आके ठीक नहीं होता है? हैं? बाबा के हाथ, बाबा के पास आकर के ज्ञान मार्ग जिंदाबाद हो जाता है, और बाहर जाकर के? अच्छा, माता का प्रश्न समझ में आया है? माता एक बार फिर रिपीट कर दो, ये तो भूल गए है, रिपीट कर दो। भक्ति मार्ग है नहीं, भक्ति मार्ग हो जाना चाहिए मुर्दाबाद। हाँ, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद स्लोगन दिया, और ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। तो प्रश्न क्या है? तो ज्ञान में ब्राह्मण लोग जल्दी नहीं आते हैं? हैं? ज्ञान नहीं समझते तो मुर्दाबाद हो रहे हैं कि जिंदाबाद हो रहे हैं? हाँ, मुर्दाबाद हो रहे हैं। अगर नहीं समझते हैं तो मुर्दाबाद, और समझते हैं तो। लेकिन सब बच्चे एक जैसे हैं कि नंबरवार हैं? तो नंबरवार मुर्दाबाद हैं, नंबरवार जिंदाबाद। बाबा ने तो कहा भक्ति मार्ग के अंश अगर रह जावेंगे तो क्या करना पड़ेगा? शरीर छोड़ना पड़ सकता है। अगर कोई भक्ति मार्ग का संस्कार इतना जटिल हो गया, 100% बढ़ गया, तो क्या होगा रिजल्ट? शरीर छूट जाएगा। ये निशानी है भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होने की, ये आखिरी निशानी। और कोई फल होता है जिसमें शिवलिंग बना हुआ होता है? क्या नाम है उसका? अगर होता है तो देखा होगा। हाँ, तो उसका नाम क्या है? हैं? हाँ हाँ, जिसमें शिवलिंग बना रहता है उसका नाम क्या है? हैं? वो तो लोप हो गया, प्रायः लोप हो गया है वो लिंग है जिसमें फल में बना होता है, वो प्रायः लोप हो गया है। तो कहेंगे कि कुदरत ने अभी भी एक फल ऐसा रखा हुआ है संसार में जिसमें ऑटोमेटिक लिंग बना हुआ होता है।
ऐसे तो फलों का राजा कौन माना जाता है? आम माना जाता है। लेकिन आम तो सारे भारत में बहुत मिलता है। कम मिलता है? बहुत मिलता है, हैं? भारत की ओरिजिनल पैदाइश है ये, विदेश से नहीं आता है, भारतीय है। लेकिन वो तो बहुत मिलता है। और जो ये नाम बताया जिसमें चित्र बना रहता है लिंग का, वो प्रायः लोप है। माने चरित्र में है, चरित्र करने वाला जो लिंग है, लिंग रूप, वो प्रायः लोप है। और ऐसे आम बहुत बहुत मिलते हैं। उन आमों में आज कौन सा आम है जो जास्ती खाया जाता है? देसी है या विदेशी है? जो खाया जाता है आम, वो विदेशी आम खाया जाता है जास्ती भारत में, और देसी आम जैसे कि प्रायः लोप होता जा रहा है। तो जैसे देसी आम प्रायः लोप होता जा रहा है, क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया में इस समय बाप भी विदेशी बनकर के आया है या स्वदेशी बनकर के आया है? विदेशी बनकर आया है। तो विदेशी बाप की प्राप्ति बहुत हो जाती है, और जो स्वदेशी है वो लोप होता जा रहा है। ऐसे ही स्वदेशियों में नंबर वन फल है कोई, जिसका लोगों को नाम भी याद नहीं है तो पक्का पक्का रूप भी याद नहीं है, सिर्फ कभी देखा है, और वो कुदरती फल है। ऐसे तो कहेंगे कि जो भी आत्माएं हैं पार्टधारी, उनमें जो भी पार्ट भरा हुआ है वो सब कुदरत है। आत्मा में अनेक जन्म का पार्ट भरा हुआ है, वो कुदरती है या बना बना के डाला गया है? कुदरती है। तो वो फल भी एक यादगार है। और वही जो अभी बता रहे हैं कि कोई हरा 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 फल होता है जिसमें लिंग दिखाया जा, लिंग देखने में आता है। हाँ, लेकिन सबकी नजर में नहीं है। और हाँ जी, अमृत पीने वाले बच्चे उनको वीज कैसे, अमृत पीने वाले बच्चों को वीज क्यों उसके उनकी ओर आ गया? अमृत पीने वाले बच्चों को वीज क्यों पीने लग गए? विष के पीने का आदत क्यों लग गई? हाँ, ऐसा होता है जब पुरुषार्थ ब्राह्मणों का संपूर्ण स्टेज को पहुंचता है। जो संपूर्ण स्टेज को पहुंचा हुआ ब्राह्मण है वो सिर्फ अमृत रस ही पिएगा या विष पिएगा? संपूर्ण स्टेज में क्या पिएगा? अमृत ही पिएगा। उसे दुनियावी बातों में मजा नहीं आएगा। और जो आदि का पुरुषार्थी है, जिसका पुरुषार्थ शुरुआत का है, तो वो पुरुषार्थ दुनियावी बातों में चित्त लगाने का होगा या एक ही याद में ही 24 घंटे मस्त रहने का यह होगा? आदि में जो पुरुषार्थ होता है वो पुरुषार्थ फर्स्ट क्लास होगा या अंत में फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ होगा? अंत में फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ होता है।
आज में अगर अच्छा पुरुषार्थ होता भी है तो बाप दादा उन बच्चों को उंगली पकड़ करके चलाते हैं, इसलिए अच्छा पुरुषार्थ होता है। बाकी बच्चों की आत्मा में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो सदाकाल अमृत रस पीने में मन बुद्धि को लगा सके। मन मनन चिंतन मंथन में ही बुद्धि लगी रहे ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 63 जन्म जैसा जैसा पार्ट बजाया है आत्मा ने वैसा ही शूटिंग पूरी पीरियड में दिखाई पड़ेगा। जिन्होंने देहदारियों में बुद्धि ज्यादा लगाई है तो विषयी होने का विषरस पीने की आदत पड़ी हुई है तो वो आदत एकदम छूट जाएगी या टाइम लगेगा? टाइम लगेगा। तो सवाल है अभी ज्ञानामृत पीने का टाइम चल रहा है तो विषय विकारों में बुद्धि क्यों लगती है? नहीं लगनी चाहिए, परंतु 63 जन्मों का जो अभ्यास पड़ा हुआ है वो अभ्यास तोड़ने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कहे कि देहाभिमान से पिया जाता है विषरस और आत्माभिमान से पिया जाता है सोमरस। इसलिए बाप कहते हैं घड़ी घड़ी अभ्यास करो। क्या अभ्यास करो? मैं आत्मा हूं। जितना जितना आत्मिक स्थिति में टिकते जाएंगे, बीज रूप स्टेज में टिकने की प्रैक्टिस करेंगे, किसी दिन खास प्रैक्टिस करके देख लो, जिन दिनों बीज रूप स्टेज की खास पुरुषार्थ करेंगे उन दिनों मनन चिंतन मंथन अपने आप चलता रहेगा ज्ञान की बातों का। अमृत रस ऑटोमेटिक पीते रहेंगे। पुरुषार्थ करना होता है सिर्फ बीज रूप स्टेज में टिकने का, आत्मिक स्थिति में टिकने का। विस्तार तो ऑटोमेटिक होता है। खास बैठ जाए हमें मनन चिंतन मंथन करना है तो नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे आत्मिक स्थिति में टिकने की तो ऑटोमेटिक मनन चिंतन मंथन होता रहे, अमृत रस पीते रहे। और बाबा तो तीनों कालों का ज्ञान क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि तुम्हें नफा नुकसान का पता चल लग जाए कि तीनों कालों में कौन से काल में भगवान आता है और कौन से काल में मनुष्य है कि जो करनी है वो चलती रहती है जिसके कारण तुमको घाटा होता है। ये पक्का बुद्धि में बैठना चाहिए ना। वो कौन सा काल है जिस काल में भगवान आता है? कौन सा काल है? संगम युग। और बाकी जितने भी काल हैं जो टाइम है उनमें उतरती कला होती है चढ़ती कला? उतरती कला होती है। किसका संकर लगता है? उतरती कला जब होती है तो संकर किसका लगता है? है? आत्माओं का। तो आत्माएं उतरती कला में ले जाती है और परमपिता परमात्मा चढ़ती कला में ले जाता है। तो आकर के काल का ज्ञान जरूर देगा। तीनों काल का अगर ज्ञान नहीं होगा तो काल की वैल्यू का पता ही नहीं चलेगा। भगवान के आने का जो काल है वो सबसे ज्यादा वैल्यूबल है और भगवान के आने के बाद फिर उत्तरोत्तर घटती कला होती जाती है। भगवान श्रेष्ठ काल बनाता है और मनुष्य आत्माएं काल को अकाल बना देती है।
और दूसरे नंबर का विकार है तो मैं संबंध में तो आत्माएं झूठ बोलते हैं या उनसे कर्म करते हैं इसलिए क्रोध आता है। क्रोध इसलिए नहीं आता है कि कोई झूठ बोलता है, आता है क्रोध इसलिए आता है कि हम जो कामना करते हैं वो कामना की पूर्ति नहीं होने पाती है। अरे कोई झूठ बोलता है तो हमारा क्या जाता है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि उसके झूठ बोलने से हमारी प्राप्ति में घोटाला हो रहा है तो फिर हमें क्रोध आता है। हमेशा कामेषु क्रोधेषु नियम है, काम विकार होगा तो क्रोध जरूर आएगा। कोई भी व्यक्ति अगर ज्यादा कामी है तो उसकी निशानी है, उसके काम विकार की जो इच्छा है उसकी अगर पूर्ति नहीं हुई तो क्या करेगा, मारा मारी मचा देगा, धूम धड़ाका कर देगा। तो अगर मारा मारी मचाए दे, धूम धड़ाका कर दे, अति क्रोध में आ जाए तो समझा जाता है ये महाकामी भी है और महाक्रोधी भी है। अगर कोई कामना किसी में पैदा होती है, प्रैक्टिकल जीवन में भी देखने में आती है कि कामना पैदा हुई और उसने अपनी कामना व्यक्त भी कर दी कि हमारी ये कामना है और दूसरे ने उसकी कामना को कुठाराघात कर दिया, कामना को तोड़ दिया और वो शांत रहे, कोई भी प्रतिकार न करे तो क्रोधी है या अक्रोधी है? है? अक्रोधी निष्कामी है। लेकिन नंबरवार कामी, नंबरवार निष्कामी, नंबरवार क्रोधी, नंबरवार कामी होते हैं। ऐसे नहीं कि दूसरे को देख लिया कि असत्य भाषण करता है, झूठ बोलता है तो हमको क्रोध आता है। वो जो असत्य बोल रहा है उस असत्य के पीछे हमारा क्या स्वार्थ है, जिस स्वार्थ के ऊपर कुठाराघात हो रहा है, हमारा स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है इसलिए क्रोध आता है। और लंबा चौड़ा लिखो तो इन दरवाजे में बैठा दो और क्या करोगे, दरवाजे में वहीं हाँ जी बोलो। जो ज्ञान में चलने वाले हैं उनको ये पता है कि कोई भी आत्मा का पार्ट बाप दादा नहीं खोलते हैं, सिर्फ ज्ञान के इशारे देते हैं, नाम लेकर नहीं बता सकते, एड्रेस देकर नहीं बता सकते कि अमुक व्यक्ति का अमुक पार्ट है। तो ऐसे प्रश्न पूछना ही रंग है कि ये पार्ट किसका है। हाँ
इशारे में बताया जा सकता है कि शास्त्रों में गायन है, राम जंगल में गए तो जंगल में भीलने की कुटिया में भी गए, भीलनी ने झूठे बेर खिलाए, जरूर है कि भगवान बाप बेहद का है, भीलनी भी कोई बच्ची है, भक्त के रूप में दिखाई गई है। भक्त में भावना होती है, भगवान को भावना की भी कदर होती है, लेकिन भावना सच्ची होनी चाहिए। जो झूठे बेर खिलाए वो झूठा शब्द कोई स्थूल चीज के लिए तो नहीं है। झूठी दुनिया कब होती है, झूठा आदमी कैसे हो जाता है, सच्ची दुनिया कब होती है, सच्चा आदमी कब होता था, सच्चा युग कौन सा होता है, सतयुग सच्चा युग होता है, वहां सच्चे आदमी होते हैं, सच्चे पुरुष भी होते हैं तो सच्ची स्त्रियां भी होती हैं, कैसी होती है तो चित्रों में भी बताई दिया, राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती, ऐसे सच्चे होते हैं। और एक जन्म के लिए ही नहीं, कितने जन्म के लिए है, 21 जन्म के लिए सच्चाई रहती है, झूठ की बात ही नहीं। स्थूल में भी झूठी दुनिया नहीं होती और झूठे संस्कार भी नहीं होते, झूठ है साथ व्यभिचार, सती कहा जाता है। कौन से शब्द से बना सती, सत्य से बना सती, सत्य चित्त आनंद भगवान का नाम है, गुण है सत्य। पहली बात है भगवान को अकेले को सत्य क्यों कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ, सत्य एक है, असत्य अनेक है, झूठ अनेक प्रकार का होता है, सत्य एक ही प्रकार का होता है, क्योंकि वो एवर प्योर है, इतना पवित्र और कोई भी आत्मा नहीं है, इतना पवित्र परम पवित्र पार्ट परम पिता परमात्मा के सिवाय और दुनिया में कोई पार्ट धारी नहीं बजाता, इसलिए वो सिखों में गाया जाता है सी भी सत हो सी भी सत, पहले भी था सत, वो सदैव ही सत्य ही सत्य है, क्योंकि उसमें विचार का नाम निशान नहीं है। तो सबरी शूद्राणी थी या ब्राह्मणी थी, शूद्राणी थी, शूद्राणी शूद्र जो है व्यभिचारी को कहा जाता है या आप व्यभिचारी ब्राह्मण को कहा जाता है, व्यभिचारी को कहा जाता है शूद्र। तो भले वो व्यभिचारी थी, व्यभिचारी मैंने बेचा, इसके बावजूद भी उसमें भावना बहुत थी भगवान के प्रति, जो भी हूं जैसी भी हूं किसकी हूं,
अब तेरी हूँ। तो ऐसी भावना को भगवान भी कदर करता है। लंबे समय के इंतजार के बाद मिलती है। इंतजार की प्रक्रिया शुरू होने से पहले व्यभिचारिणी थी या अव्यभिचारिणी थी? हैं? इंतजार शुरू करने से पहले के जीवन में व्यभिचारिणी थी या अव्यभिचारिणी थी? हैं? व्यभिचारिणी थी। जब से उसने जाना कि भगवान बाप आए हैं तब से अलर्ट हो गई। हैं? क्या अलर्ट हो गई? कि जो कुछ भी मेरे पास है, टटापुंजिया तन का या धन का या मन का या जो कुछ भी है, वो सब उसी एक के लिए अर्पण है। जब भी आवेंगे, जब भी मिलेंगे, तो मैं उनको ही अर्पण करूंगी, बाकी कोई दूसरी चीज नहीं है। कि कोई स्थूल फल की बात है कि भगवान ने स्थूल फल खाए, नहीं। बाबा वीर से होगा, वीर में आपसे क्या है? वीर से होगा। हाँ, एक तो है शैव संप्रदाय, और शैव संप्रदाय में भी वीर शैव श्रेष्ठ माने जाते हैं। वीर कहा जाता है बहादुर को, बहादुर उसे कहा जाता है कि लड़ते लड़ते प्राण भले छोड़ दे लेकिन पीठ न दिखाए, पीछे न हटे, धोखा न दे। इसलिए माउंट आबू में जो रहने वाले भील हैं गांवों में, वो वीर बाबा को मानते हैं। जैनियों में उस वीर बाबा का नाम दिया है महावीर। क्या? हाँ, ऐसे ही शैव संप्रदाय में वीरों का वर्णन है। और है मन को कंट्रोल करने के लिए, एक तो प्रैक्टिस करो अमृत वेले खास, और सारा दिन आम प्रैक्टिस करते ही रहो। गीता में जैसे कहा है अभ्यासेन तो कौन्तेय, अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया ये मन तो बड़ा चंचल है, कंट्रोल होता ही नहीं। तो उन्होंने बताया दो ही तरीके हैं, एक तो अभ्यास है ना, तो कौन से है, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, बार बार मन भागे, बार बार पकड़ के बिंदु की याद में, आत्मा की याद में लाओ, बाप की याद में टिकाओ, ये प्रैक्टिस लगातार चालू ही रहे। लेकिन वो चालू तब रहेगी जब ज्ञान के आधार पर बुद्धि में बैठ जाए ये सारी दुनिया नश्वर है, बेकार है। इस दुनिया के व्यक्तियों में, रिश्तेदारों में, समाज में, सोसाइटी में, पदार्थों में जितना ही हम मन बुद्धि लगाएंगे उतना हमें धोखा होगा। क्या प्राप्ति कुछ भी नहीं होने वाली है, ये ज्ञान बुद्धि में वैराग का बैठ जाना चाहिए। बिन वैराग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई।
तो राम भगवान तो आया हुआ है, वो तो 20 बार मुरलियों में यही बताते हैं, इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब सब विनाशी है, कोई काम की चीज नहीं है। व्यवहार में भला आना है ताकि कोई को दुख न हो, क्या जो भी संगी साथी रिश्तेदार संबंधी हैं उनके साथ व्यवहार में आना है, व्यवहार में भी नहीं आएंगे तो उनको दुख होगा या नहीं होगा, दुख तो होगा, तो व्यवहार में तो आना है, तोड़ निभाना है, लेकिन मन बुद्धि का लगाव किसी में नहीं रखना है, ये सब धोखेबाज है, अंदर से समझने की बात है, बाहर से बोलने की बात नहीं है उनके सामने। इतना पक्का कर देना है जैसे गायन है एक अलव्य, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, इतना वैराग अगर बुद्धि में भरा हुआ होगा तो बुद्धि में ज्ञान अपने आप टपकता रहेगा, शिव बाबा भी समझ जाएंगे क्या ये आत्मा रूपी जो बच्चा है इसकी मन बुद्धि दुनिया में नहीं अटक रही है, कहाँ लगी हुई है, मेरे में लगी हुई है, तो दिल को दिल से राहत होती है, हम जिसको याद करते हैं वो आज नहीं तो कल हमारी याद उसके पास पहुंचती जरूर है, चाहे भले लंदन में बैठा हूं। तो दो ही बातें मुख्य हैं, एक अभ्यास और दूसरा वैराग, ज्ञान तो हमें मिला हुआ है, गायनी है ज्ञान भक्ति वैराग, भगवान आते हैं तो ज्ञान देते हैं, ज्ञान देते हैं तो भक्ति मार्ग के दुनिया में जितने भी आडंबर फैले हुए हैं, विस्तार फैला हुआ है, उन सबसे हमारा वैराग हो जाता है, ये ज्ञान की निशानी है। क्या जितना बुद्धि में ज्ञान बैठा होगा प्रैक्टिकल जीवन में उतना मन बुद्धि से वैराग जरूर होगा, और जितना वैराग होगा उतना बाप की याद आवेगी, प्रैक्टिस मजबूत होती जाएगी। और वर्ड का जो झाड़ है वर्ड का जो झाड़ है बड़ का झाड़ हाँ उसके पारम भी नीचे तक आती है, हाँ जी बेहद में इसका क्या, बेहद में यही है कि जो ऐसा झाड़ है जिस झाड़ में अनेक प्रकार के झाड़ पैदा हो जाते हैं, क्या उसमें पीपल भी निकल आएगा, आम भी निकल आएगा, नीम भी निकल आएगा, है पेड़ नीचे से एक ही लेकिन ऊपर में उससे दूसरे दूसरे वृक्ष की बीज भी उसमें गिर जाते हैं, क्योंकि मिट्टी उड़ती रहती है और उसके टहनियों में और तनों में इकट्ठी होती रहती है, उस मिट्टी में वो बीज गिरते हैं और वो पैदा हो जाते हैं, तो ये वैरायटी झाड़ है, मूल रूप में तो बड़का झाड़ है, तो जितने भी वैरायटी उसमें बीज हैं उनमें सबसे छोटा बीज कौन सा है, अरे किसने प्रश्न किया, हाँ उसमें आम का बीज भी पड़ता है, नीम का बीज भी पड़ता है, अनेक प्रकार के बीज वृक्ष बन के खड़े हो जाते हैं, लेकिन उन बीजों में सबसे सूक्ष्म बीज कौन से वृक्ष का होता है, बड़ का बीज सबसे छोटा है लेकिन वृक्ष है सबसे बड़ा हो जाता है, इसलिए नाम ही उसका क्या है, बड़। और उस बड़ वृक्ष की ये विशेषता है
कि उसकी जड़ों में, उसके तने में, उसकी छाल में, उसके पत्तों में, उसके फूलों में, उसकी जो ये कलियां होती हैं उनमें, सभी अंगों में दूध जरूर रहता है। क्या जहां से भी तोड़ेंगे कुछ न कुछ दूध जरूर निकलेगा। दूध माने क्या है? ज्ञान दूध माना। और जो वृक्ष हैं उनमें ये इतनी शिफ्ट नहीं है, वो कितने भी बड़े हो जाएं या छोटे थे उतना दूध नहीं होगा जितना दूध बड़ वृक्ष में होता है। लेकिन बड़ वृक्ष की एक और खासियत है कि उसकी जो मूल जड़ है तो वो लोप हो जाती है, क्योंकि वो जड़ वहीं पनपती है जहां उसको पानी मिलेगा। क्या जड़ गहराई के हिस्से में जहां पहुंची हुई होगी तो वहां जड़ सही साबुत रहेगी, और जहां पानी मिलना बंद हो जाता है ऊपर जमीन में वहां वो जड़ क्या होती है? सड़ जाती है। तो ये है देवी देवता सनातन धर्म का झाड़ बड़। दुनिया की ऐसी बीज रूप आत्मा से ये बड़ वृक्ष तैयार होता है जो सब का बीज है, सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। उस मनुष्य सृष्टि के बीज में वो निराकार परमपिता परमात्मा प्रवेश करके ज्ञान का दूध आरोपण कर देता है। जब फलीभूत होता है देह अभिमान की धरणी से ही फलीभूत होता है, तो जितना जितना वो झाड़ बढ़ता जाएगा फैलता जाएगा तो उसकी जड़ और तना प्रायः लोप हो जाता है। और जो वो क्या निकलती है, जटाएं, और जो जटाएं निकलती हैं वो जमीन को पकड़ करके पेड़ का रूप धारण कर लेती है। तो वो और जटाएं बड़े बड़े तने बन जाते हैं, वो देखने में आते हैं। जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, इनके धर्म देखने में आते हैं, मोटे मोटे झाड़ बन जाते हैं, ढेर सारे उनके पत्ते बन जाते हैं, माने ढेर सारे मनुष्य पैदा हो जाते हैं, उनकी जनसंख्या बहुत बढ़ती है पत्तों की। और जो देवी देवता सनातन धर्म का मूल जो जड़ था, जो तना था, वो लोप होता जाता है। तो ये बड़ वृक्ष की निशानी है देवी देवता सनातन धर्म की, कि देवी देवता सनातन धर्म आज प्रायः लोप हो गया है, वो आत्माएं ढूंढने से भी नहीं मिल रही है। कितनी मेहनत करने पर, वर्षों की मेहनत के बाद सत्तर अस्सी साल पूरे हो जाते हैं तब कहीं देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन पक्का लग पाता है, स्थापना हो पाती है। स्थापना में इतनी जास्ती मेहनत, इतनी जास्ती शक्ति, इतना लंबा समय और कोई धर्म का नहीं लगता है। अति सूक्ष्म बीज और दुनिया में कितना फैल जाता है।
इसमें लिखा है बेसिक ज्ञान की जो इंचार्ज बहने हैं उन्होंने झूठा इल्जाम लगाया है कि एडवांस पार्टी वाले माउंट आबू से आने वाली मुरली की जो पार्सल हैं, मुरली की पैकेट हैं, वो चोरी कर लेते हैं। पार्सल लाने वाले पोस्टमैन को पैसे दे करके हमारी मुरलियां चुरा लेते हैं। आइए ऐसा कोई करता हो तो बता देना बाबा को, है? कोई करता है क्या, है? क्योंकि यहाँ तो सब आने वाले जितने भी हैं एडवांस में वो तो पुराने पुराने बेसिक में चलने वाले स्टूडेंट हैं। उनके पास जितना मुरलियों का भंडार होता है पुरानी पुरानी मुरलियों का, उतना भंडार तो उनके पास होता ही नहीं, वो कदर ही नहीं करते मुरलियों की। और एडवांस पार्टी वाले पुरानी मुरलियों की ज्यादा कदर करेंगे या जो अभी आ रही है रिसेंट वहां से छप छप करके काट काट करके, उनकी कदर करेंगे? पुरानी मुरलियों की कदर करेंगे, वो ओरिजिनल माल है। और एडवांस पार्टी वालों को क्या दरकार है उनकी मुरलियां चुलाने, बाबा तो खुद ही नया नया माल पुराने से पुराना ओल्डेस्ट टू ओल्डेस्ट देते रहते हैं। आगे चल करके ब्रह्मा बाबा के मुख से निकली हुई डायरेक्ट मुरलियां जो उन्होंने काट पीट करके पांच पांच पेज की ढाई ढाई पेज में डेढ़ पेज में कर दी, अभी वो मुरलियां भी सुनने को मिलेंगी। हैं? हैं? क्या हुआ? जो भी बुलाते हैं निमंत्रण दे करके, अगर प्रूफ सहित बुलाते हैं तो जरूर जाना चाहिए। अगर लगता है कि वो झूठे हैं, फोन से बुलाए लेते हैं और बुलाने के बाद बेइज्जती करते हैं या कर देंगे, तो फिर एक दो के साथ जाना चाहिए या कोई बड़े नेता को साथ लेकर के जाओ और वहां जाकर के धड़ाके से एडवांस ज्ञान सुनाओ, बुलाना भूल जाएंगे। एक किंवदंती का कोई किंवदंती फैली हुई है समाज में, वो प्रश्न आया है पीपल का वृक्ष कागविष्ठा से तैयार होता है, क्या उसमें कौवे की विष्ठा का खाद जब लगता है तो पीपल का वृक्ष तैयार होता है, ऐसा गायन है। किसी ने सुना? सुना है, प्रैक्टिकल में करके नहीं देखा है, है? लेकिन ये समाज की कहीं कहीं किंवदंती फैली हुई है कि ऐसा होता है, है? हाँ, उसकी पत्ती कौवा
कौआ उसके फल को खाता है। कोई भी पक्षी जो है वो पीपल के फल को खाते हैं। चारों तरफ फैल जाता है, लेकिन एक पक्षी खाते हुए नहीं देखा होगा। बहुत से पक्षी खा, नीलकंठ को खाते हुए देखा? देखा क्या? नीलकंठ उसके फल को नहीं खाता होगा। खाता है? नहीं खाता? झूठ बोलते हैं, देखा तुमने? तो ये पीपल का जो वृक्ष है उसको कहते हैं ब्रह्मदेव। क्या कहते हैं? ब्रह्मदेव। बहुत जगह महाकाल की पूजा होती है तो पीपल के पेड़ में झंडियां लगा देते हैं और पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? महाकाल की पूजा करते हैं। वो जैसे बड़ वृक्ष है प्रजापिता की यादगार, मनुष्य सृष्टि के बीज की यादगार, ऐसे ही पीपल का वृक्ष भी तो किसी की यादगार होगी। है? कौन सी आत्मा की यादगार है? ब्रह्मा। उसका कहते ही है ब्रह्मदेव। पीपल के पत्ते पर समंदर के अंदर पीपल का पत्ता और उसमें गर्व महल दिखाते हैं कृष्ण का। वो पीपल का पत्ता कौन है? जगदम्बा। पीपल के पत्ते की खास यादगार है कि थोड़ा भी हवा का झोंका आएगा, हल्का सा भी, तो सबसे जास्ती कौन से वृक्ष का पत्ता हिलता है? पीपल का पत्ता हिलता है। और वो पीपल का पत्ता दवाइयों में भी काम आता है। माना जगदम्बा वाली जो आत्मा है उसका ओरिजिनल जहां से होता है कोई तो सेंटर से ओरिजिन हुआ होगा, निकास हुआ होगा कि नहीं? बेसिक से हुआ होगा या डायरेक्ट एडवांस से हुआ होगा? हैं? बेसिक से ही हुआ होगा। तो वो बेसिक का सेंटर कौन से धर्म वाली आत्मा के रहबरी में चलता होगा? हैं? हैं? इस्लामी नहीं, सिख धर्म भी नहीं है, वो आर्य समाजी आत्मा है। जगदीश भाई के अंडर में चल रहा था वो सेंटर, जहां से फाउंडेशन पड़ता है देवी देवता सनातन धर्म के आधारभूत आत्मा का।